Hey guys, welcome back to my channel, and today in this video I'm gonna show you the room 2 of this luxurious Mayfair Tea Resort, which is placed in New Chamta Tea Garden. I stayed here for one day and one night, and the reason I was staying here was that my big brother-in-law wedding ceremony was held here. And if you want to see the wedding blog of my big brother-in-law, then please click on the I button which is given above. तो जिस रूम में मैंने स्टे किया था उस रूम का नंबर था 234 विच इज़ फर्स्ट फ्लोर, और मैं यहाँ से डोर से एंटर करते हुए अपने रूम टूर को स्टार्ट करती हूँ। डोर एंटर करते ही आपको देखने को मिलेगा एक लंबा सा एंट्री पैसेज, और इस पैसेज में आपको बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स नज़र आएंगी जिसकी अपनी ही एक तरह की खासियत है। बेसिकली आपको जितने भी पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग्स यहाँ पर नज़र आएंगी वो सारी आपको कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में बताएंगी, और ख़ासकर यहाँ की दार्जिलिंग की हिस्ट्री जो है वो इस पोर्ट्रेट आपको जानने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आप सभी को पता है दार्जिलिंग फेमस है टी गार्डन्स के लिए, तो यहाँ के टी वर्कर्स की पोर्ट्रेट आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और इसके जस्ट राइट साइड में आपको मिलेगा ड्रेसिंग रूम, तो मैं आपको ड्रेसिंग रूम में एंटर करके दिखाती हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल होंगे। एज यूजल आपको यहाँ पे टीज़ एंड कॉफीज़ की फैसिलिटीज मिलेंगी। सामने आपको बिग मिरर एंड अ बिग क्लोज़ मिलेगा जिसमें 2 बाथरोब्स एंड 2 स्लीपर्स अवेलेबल होंगे। इसी ड्रेसिंग रूम में आपको मिलेगा 2 चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, और इस मिरर के सामने आपको मिलेगा वेइंग मशीन एंड दैट्स मी। ड्रेसिंग रूम के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की वॉशरूम की डिज़ाइन। मेरे लिए यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की इंटीरियर डिज़ाइनिंग लगी, चाहे वो वॉशरूम हो, रूम हो, बैल्कनी हो, पैसेज हो, लॉन हो, कॉरिडोर हो, या फिर आउटसाइड एरिया हो, आपको इस रिजॉर्ट में हर कॉर्नर में हेरिटेज बेस्ड डिज़ाइनिंग मिलेगी। और हाँ, आपको हर रूम में मिलेगा इस तरह का बाथटब विच इज रियली इनक्रेडिबल। ड्रेसिंग रूम एंड वॉशरूम देखने के बाद हम चलते हैं रूम टूर के लिए। तो सबसे पहले इस रूम में आपको अभी देखने को मिलेगा मेरे क्यूट हस्बैंड। इसके बाद मैं लेके चलती हूँ यहाँ की वॉल पेंटिंग्स की तरफ, और ये सारी जो वॉल पेंटिंग्स लगी हैं ये है कॉलोनियल हिस्ट्री पे बेस्ड। और यहाँ की जो इंटीरियर है जैसे कि आप देख सकते हैं सारे हेरिटेज बेस्ड इंटीरियर्स हैं। आगे की तरफ है अमेजिंग बालकनी, बट इससे पहले हम रूम का पूरा टूर कर लेते हैं। तो ये जो रूम है वो बहुत ही स्पेशियस है, यहाँ पे आपको बेड, डबल बेड और सोफ़ा एंड टेबल, साइड टेबल्स, मिरर्स एंड वॉल पेंटिंग्स बहुत सारी देखने को मिलेंगी। रूम काफ़ी स्पेशियस हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या फिर मीटिंग्स के लिए किसी को भी यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, या फिर टी कॉफ़ी के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। पेंटिंग के साथ आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस रूम में देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये डिजिटल क्लॉक, बड़ी सी टीवी, इस तरह का QR कोड जिसको स्कैन करके आप पता कर सकते हैं इस रिजॉर्ट की अवेलेबल मेन्यू। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी इस तरह की पुरानी टाइपराइटिंग मशीन जिसमें अवेलेबल है बहुत ही इंटरेस्टिंग वेलकम नोट। साथ ही आपको देखने को मिलेगा इस तरह का ब्यूटीफुल मिरर। और यहाँ की फर्नीचर की डिजाइन वॉज कमेंडेबल। तो रूम टूर तो हमने कर लिया, अब चलते हैं बालकनी की तरफ। इस बालकनी की खास बात यह है कि आपको इस बालकनी से बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। जैसा कि ये रिजॉर्ट टी गार्डन के अंदर बना हुआ है, तो चारों तरफ आपको टी गार्डन नज़र आएंगे, और साथ ही आपको देखने को मिलेंगे ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स, और साथ ही अगर स्काई भी क्लियर हो तो आपको ब्यूटीफुल माउंटेन्स का भी नज़ारा देखने को मिलेगा।
और जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ बिल्कुल वहाँ पे मुझे जाना है अभी अपना ब्रेकफास्ट ग्रैब करने के लिए। मगर ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको मैं इस रिजॉर्ट के आगे का व्यू भी दिखा दूँ, और ये है एंट्रेंस एरिया जहाँ से हम एंटर करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको विथ ब्रेकफास्ट इन दैट रेस्टोरेंट, एंड हियर आई एम विथ माय डिलीशियस ब्रेकफास्ट। स्पेशली दैट हॉट चॉकलेट ब्राउनी वाज माय फेवरेट। द रेस्टोरेंट वाज क्वाइट बिग एंड स्पेशियस एंड द मेन्यू वाज अनकाउंटेबल। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में और क्या क्या फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। That's it. तो हमारा ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो गया और मैंने आपको रेस्टोरेंट भी दिखा दिया। अभी टाइम हो गया है हमारे घर लौटने का और यहाँ से चेकआउट करने का, बट उससे पहले हमें पैकिंग करनी पड़ेगी। सो आई एम गोइंग टू माई रूम टू पैक माई बैग। तो हम निकल लिया है इस रिजॉर्ट से चेकआउट एंड हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, एंड अपने साथ लेके जा रहे हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज, स्पेशली द वेडिंग मेमोरीज एंड फनी मोमेंट्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, देन गिव इट अ थम्स अप। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।